भागलपुर में भोलानाथ पुल एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था। 2022 में मुख्यमंत्री को इससे अवगत कराया गया और इस पर स्वीकृति मिली और 100 करोड़ रुपए की लागत से भोलानाथ पुल का कार्य प्रारंभ हो गया है, जो काफी तेजी से हो रहा है। इसमें 27 पाइलिंग का काम भी शुरू हो गया है। जल्द रोड की ढलाई से लेकर 3 किलोमीटर नाला बनाने का प्रावधान है। लगभग 125 किलोमीटर का यह पुल बनकर जल्द ही शहरवासियों के लिए सौगात के रूप में सामने आएगा। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, नगर आयुक्त, यातायात डीएसपी, सिटी डीएसपी के अलावा कई अधिकारी ने भोलानाथ पुल के कार्य का आज निरीक्षण किया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि भागलपुर के लोगों के लिए बड़ी सौगात बहुत जल्द सामने आएगी। इसके साथ ही अप्रोच पथ भी बनेंगे। वहीं लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि शहरवासियों को इसमें सहयोग करने की जरूरत है। अगर कार्य में अतिक्रमण के तहत बाधा उत्पन्न हो रहा है तो लोग स्वयं अतिक्रमण हटा लें। साथ उन्होंने कहा कि अन्य विभागों से भी तालमेल बनाया जा रहा है। जल्द रेलवे से भी बात कर इस पर एनओसी ले लिया जाएगा। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से हम आपको ये बता रहे हैं कि दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को अब जल्द ही राहत मिलने वाली है। भोलानाथ फ्लाईओवर का जो काम होना है, जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट कहा है कि अगले एक साल में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ के लोगों को ये पुल सौगात के रूप में, जो मुख्यमंत्री का एक सपना था और सब लोगों का एक डिमांड था बहुत दिनों से, जिसकी परेशानी झेल रहे थे लगातार वर्षों से लोग, दक्षिण क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र में ये परेशानी झेल रहे थे, तो अब उन परेशानियों से निजात मिलेगी। अगले एक साल में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। काम बहुत ही तेज गति से चल रहा है, जैसा कि जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया। साथ ही जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उनको भी साफ ये कहा है कि आप स्वयं या तो अतिक्रमण को वहाँ से हटा लें, अन्यथा बलपूर्वक वो अतिक्रमण मुक्त उनसे कराया जाएगा। वो लोगों को सपोर्ट करें, जो इंजीनियर्स की टीम है, जो पुल निर्माण का कार्य कर रहे हैं लोग, उन्हें आप सहयोग करें, चूंकि ये पुल आप लोगों के लिए ही है। ऐसा कहना है जिलाधिकारी महोदय का, जिन्होंने बहुत ही स्पष्ट कहा कि जो तमाम चीज़ें चल रही हैं भोलानाथ फ्लाईओवर को लेकर के, बहुत तेज गति से काम चल रहा है और बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। फिर यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठेगा और ये क्षेत्र भी पूरी तरह से बहुत ही क्लीन भागलपुर, ग्रीन भागलपुर के तहत बहुत ही अच्छा दिखेगा ये शहर और स्वच्छ और साफ दिखेगा। और यहाँ के लोगों की जो लंबे समय से बहु प्रतीक्षित मांग थी, जिसको लेकर के लगातार लोग आंदोलन करते रहे, धरना प्रदर्शन होते रहा, लेकिन अब उनको इन सब चीज़ों से निजात मिलेगी जल्द ही और अगले एक साल में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। ये तमाम बातें आज कही टीवी अंग प्रदेश से भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने, जिन्होंने कि इसका मुआयना किया। साथ ही लोगों से ये भी कहा कि अप्रोच रोड का भी जो है वो मिलेगा, अप्रोच रोड है इसमें और उस पर भी काम, जो इंजीनियर्स की टीम है वो बैठ करके इसको देख रही है कैसे अप्रोच पथ का निर्माण किया जाएगा। साथ ही लोगों से अपील की है उन्होंने कि जिन्होंने अतिक्रमण किया है वो अतिक्रमण हटा लें और कुछ जो ज़मीनें और भू अर्जन की जानी है वो भू अर्जन भी सरकार करेगी, कुछ कम, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ और ज़मीनें हैं जो भू अर्जन के तहत लोगों से लिया जाएगा और उसके जो मुआवजा होगा वो सरकार वो राशि उपलब्ध उनको कराएगी। साथ ही लोगों से अपील की है उन्होंने कि आप जो पुल निर्माण में लगे लोग हैं उन्हें सहयोग करें, क्योंकि ये पुल आपके लिए ही, आपके सुविधा के लिए ही बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ कहा जिलाधिकारी महोदय ने। आइए सीधे आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा भागलपुर के जिलाधिकारी महोदय ने भोलानाथ फ्लाईओवर के निर्माण ब्रिज को देखने के बाद। देखिए, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि भोलानाथ पुल जो काफ़ी पुराना ब्रिटिश टाइम का पुल है, इसके ऊपर आरओबी की डिमांड बहुत सालों से यहाँ भागलपुर में रही है और जब 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम हुआ था तो इस समस्या से हम लोगों ने अवगत कराया था। तत्क्षण ही उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी थी, फिर इसकी ड्राइंग, डिज़ाइन और सारा जो प्रोसेस होता है टेंडर वगैरह का कंप्लीट करा करके, और लास्ट ईयर जो है ये शुरू हो गया है। स्टेट के पूरे राज्य सरकार अपनी राशि से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये काम जो है बहुत तेज़ी से पुल निर्माण निगम करा रहा है और इसमें काम की गति भी अच्छी है। जैसा मुझे बताया गया है कि लगभग 30 के लगभग, शायद 27 जो है पाइलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, उस पर कैपिंग का काम भी चल रहा है और जैसा इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि अब रोड की जो इसमें PQC रोड बनना है, ढलाई वाला ऑल वेदर रोड, ताकि पानी वगैरह के कारण भी जो रोड के ख़राब होने की समस्या रहती है तो वो भी नहीं होगा, तो वो रोड की ढलाई का काम भी इस वीक या अगले वीक से जो है वो शुरू हो जाएगा। नाला, इसमें 3 किलोमीटर नाला बन रहा है, चूँकि ये काफ़ी, एक तरह से काफ़ी समय से नाले का काम नहीं हुआ था, कच्चा नाला भी बहुत ज़्यादा है, खुला नाला है और पानी भी बहता है, तो वो भी समस्या का निराकरण हो जाएगा। 3 किलोमीटर इसमें नाला बनना है, 125 किलोमीटर का लगभग ये पुल रहेगा और पुल निर्माण निगम काम कर रहा है, जो यूटिलिटी शिफ्टिंग हम लोग बोलते हैं बिजली के पोल वगैरह को, उसमें भी अभी काम हुआ है और इनको शट डाउन देना है, तो बिजली विभाग इसको देख लेगा कि आम लोगों को भी समस्या नहीं हो और काम भी इनका तेज़ी से चल सके, उसको लेकर के भी हम लोगों का प्रयास है।
है कि आपसी समन्वय विभिन्न विभागों के बीच बैठा करके, क्योंकि शहर में काम करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि घनी आबादी होती है, सीवरेज का होता है, पानी का भी पाइपलाइन का काम हो रहा है, शहर की ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ता है, तो लोगों को कम से कम समस्या हो और अगले एक साल में ये पुल बन जाए। और जिस गति से काम चल रहा है, रेलवे के एक परमिशन की ज़रूरत है तो वो भी इंजीनियर्स लगे हुए हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी DRM साहब से बात करेंगे। और हम लोगों का ये प्रयास है कि अगले एक साल में ये बड़ी सौगात, लगभग 100 करोड़ की लागत से ये पुल बनेगा। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और 22 में जो उन्होंने तत्क्षण इसकी स्वीकृति दे दी थी कार्यक्रम के दौरान ही, तो ये बन करके तैयार हो जाए और अगले साल जो है एक बड़ी सौगात भागलपुर के क्षेत्र को और खास करके दक्षिणी क्षेत्र के आमजन को मिले, ये हम लोगों का प्रयास है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे आज भागलपुर पहुंचे। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 21वीं शताब्दी का भारत बनने वाला है। इंडिया गठबंधन के ठगबंधन की लोगों की दुकान बंद होने वाली है। जो सनातन धर्म व रामायण पर गाली व अभद्रता दिखाए उसका खेल खत्म होने जा रहा है। श्री राम की धरती पर हिंसा का स्थान नहीं है। मुट्ठी भर लोगों को लग रहा है कि गद्दी खतरे में है, इसलिए वो सनातन धर्म को गाली देते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जदयू किसी रेस में नहीं है, यह सब घमंडिया गठबंधन है, सब आपस में टकराएंगे, सबका सर फट जाएगा, सब ब्लैकलिस्टेड है, यह लोग कोई सीट एडजस्ट कर ले, नरेंद्र मोदी को कोई रोक नहीं सकता। भाजपा 2024 में 3/4 बहुमत से जीतेगी और 2025 में BJP बिहार में भी सरकार बनाएगी। साथ उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन खुद टकराएंगे, कोई नेपाल की तराई में जाएंगे तो कोई बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के भागलपुर आगमन का मुख्य उद्देश्य है 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी राज्यों के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुंचेंगे। इसी बाबत भागलपुर क्षेत्र से बटेश्वर स्थान से इसका सानिध्य आगमानंद जी महाराज कर रहे हैं, जो भागलपुर से निकलकर बक्सर पहुंचेंगे, उसके बाद सभी पटना में एक साथ मिलेंगे। ये इनका सर फट जाएगा, वो जिसको भी खड़ा करें सब लोगों का ब्लैक लिस्टेड है, सब ब्लैक लिस्ट में जाएगा। जदयू अड़ी हुई 17 सीट, मैंने कहा ना कोई सीट उठ का, ये नाटक है। इन लोग कितनों सीट एडजस्ट कर ले, नरेंद्र मोदी को कोई रोक नहीं सकता। 3/4 बहुमत से जीत करके 2024 में आएंगे और 2025 में भाजपा की सरकार बिहार में भी बनाए। वैल्यू नहीं दिया जा रहा। अरे मैंने कहा ना कि कांग्रेस और कोई रेस का हमारे सामने तुलना ही नहीं है। ये लोग सब घमंडिया गठबंधन आपस में टकराएंगे, कोई नेपाल की तराई में जाएंगे और कोई उधर से करके और कोई बंगाल की खाड़ी में। कल बटेश्वर रात से बटेश्वर नाथ धाम कौवल ऋषि की धरती से श्री राम का आविर्भाव यात्रा प्रारंभ हो करके और कई उपयात्राएँ 6 उपयात्राएँ बिहार के विभिन्न कोने से वहाँ मिथिलांचल से जनक का सीतामढ़ी मिथिलांचल मंदार पर्वत से आपका सिमरिया धाम से गया से छपरा चिरांत से ये सभी यात्राएँ मिल करके जहाँ मंदार की यात्रा यहाँ होगा महावीर मंदिर जो पटना है वहाँ पर 3 बजे के लगभग समय है कि वहाँ स्वागत करेंगे लोग, सारे राम भक्त वहाँ स्वागत करेंगे, उसमें सभी राजनीतिक सांस्कृतिक सामाजिक आध्यात्मिक लोगों के और संतों के द्वारा। तो कल ये यात्रा हमारे अंग जनपद के संत
आगमानंद जी महाराज ने सहमति दी है उनके सानिध्य में होगा और ये यात्रा बक्सर पहुंचेगी। बक्सर में अभ्युदय यात्रा 11-12 को निकला हुआ है, 11 और 12 को दो दिनों का अभ्युदय यात्रा, यानी कि राम राज्य कैसा हो उसका अभ्युदय इसी धरती पर होता हुआ है। जैसे सिंगी ऋषि का प्रादुर्भाव श्री राम के द्वारा को पुत्रेष्टि यज्ञ करा करके लाते हैं, तो सिंगी ऋषि की धरती से ये जाएगा और 13 तारीख को फिर ये यात्रा सिद्धाश्रम बक्सर से प्रारंभ शुरू होकर के अयोध्या के क्षेत्र में जा करके वहाँ अयोध्या में पूरे अयोध्या नगरी का भ्रमण होगा और उसके भ्रमण उपरांत जो गंगा जल, मृतिका, विभिन्न नदियों का जल, पवित्र जल और धनुष, जो चांदी का वो धनुष बक्सर में धनुष धनुर्विद्या के लिए जो धनुष वहाँ श्री राम को वहाँ नए मंदिर में प्रवेश पर जो श्री राम को वह धनुर्विद्या जो बक्सर में सिखाया गया था वो धनुर्विद्या बक्सर से वहाँ उनको भेंट होगा। और 13 तारीख को ही रात्रि में वहाँ पर जो अर्जित ने सोच यहाँ रखा था उसका दीप 14 साल बनवास रहे थे तो 14 लाख दीप और उसमें विश्वकर्मा समाज के लोग जो भागलपुर बक्सर पटना बिहार के लोग हैं उनके द्वारा वहाँ आकृति श्री राम की छवि बनाई जा रही है, उसकी छवि को भगवान राम का पूजन सायंकाल 13 तारीख को, ये तमाम जो बिहार के लोग जाएंगे और अयोध्या के लोग मिल करके भगवान श्री राम की आरती उतारेंगे और उसका आरती उतारने का जहाँ स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज और तमाम संत जन रहेंगे वहीं योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और उप मुख्यमंत्रीगण और उनके तमाम अन्य मंत्रीगण और केंद्रीय सरकार। भागलपुर नगर निगम में जहां एक तरफ मेयर और नगर आयुक्त के बीच चल रहे विवाद के कारण विकास कार्य बाधित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर आज नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा निगम कार्यालय स्थित हॉल में बैठक की गई जिसमें इन लोगों ने पार्षदों के खिलाफ एकजुट होकर नगर आयुक्त से शिकायत की है। इन लोगों का कहना है कि पार्षद और पार्षद के प्रतिनिधि लगातार पार्षदों के व्हाट्सएप ग्रुप में कर्मचारियों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं जिसको लेकर कर्मचारियों में आक्रोश है और उसी के तहत आज बैठक की गई और नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया गया है, अगर यह स्थिति जल्द ठीक नहीं हुई तो इसके खिलाफ कर्मचारी आंदोलन करेंगे। वहीं बैठक के बाद कर्मचारियों ने पार्षदों और मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की कि ऐसे पार्षदों पर नगर आयुक्त द्वारा कार्रवाई की जाए। विरोध इसलिए हो रहा है कि देखिए हम लोग तो लग भीड़ के काम करते ही हैं और जो है ना क्या कहता है समूचे कर्मचारी पूरे तत्परता के साथ काम करते हैं लेकिन फिर भी हम लोग को जो है ना पार्षद से तो नहीं पार्षद प्रतिनिधि सब जो है कुछ से कुछ उल्टा पुल्टा जो है व्हाट्सएप ग्रुप में प्लस ये जो है ना टॉर्चर वाला जो है और गाली गलौज, अब तो गाली गलौज पर उतर गए हैं लोग, तो इस परिस्थिति में हम लोग तो काम करना मुश्किल ना है, इसलिए आज जो है अध्यक्ष जी को हम लोग जो है अपना शिकायत किए थे तो आज जो है मीटिंग बुलाया गया और उसके बाद जो है ना अगला कार्यक्रम जो है हम लोग जो है कर रहे हैं इसलिए कि जो है पार्षद ग्रुप में जो है बार बार जो है हम लोग को टॉर्चर किया जाता है, कभी हमारे कर्मचारी को चूड़ी पहनाया जाता है, कभी चोर बोला जाता है, टेबल पे जो है बोलता है कि घूस लेते हैं जबकि ऐसा कोई भी बात नहीं है, उसके बाद भी हम लोग को ऐसा बात है तो हमको प्रूफ दे, प्रूफ देने के बाद ही हम चोर हो सकते हैं कि आप किसी पे आरोप लगा दीजिएगा। हम लोग आते हैं 5 बजे 10 से 5 आते हैं काम करने के लिए, आप उसके बाद 24 घंटा भी हो जाता है तो हम लोग को 24 घंटा काम करना पड़ता है और हम लोग जो है नगर आयुक्त महोदय के ही ना आदेश अनुसार काम कर सकते हैं और आप आते हैं हम लोग को दबाव बनाते हैं कि ये काम करना पड़ेगा तो ये थोड़ी होगा। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग आज बैठक किए कर्मचारी संघ का, उसके बाद जो है हम लोग नगर आयुक्त महोदय को जो है ज्ञापन सौंपेंगे। भागलपुर पहुंचे भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने गुजरात में हो रहे वाइब्रेंट गुजरात को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है गुजरात में आज 100 कंपनी के CEO आ रहे हैं, वहीं अबुधाबी और दुबई के किंग पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार में आए इन्वेस्टर मीट में सिर्फ लिट्टी चोखा का आयोजन हुआ, कोई बड़े उद्योगपति नहीं आए। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर मीट के दौरान मुख्यमंत्री ने अपना उद्बोधन तक नहीं दिया। उन्होंने कहा बिहार में सिर्फ सीटों के लिए द्वंद्व चल रहा है और आपस में ही सब झगड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कहा गया था
कि बिहार ने देखा है देश देखेगा, लेकिन बिहार की स्थिति देश ना देखे तो यही बेहतर है। वहीं बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है। वाइब्रेंट गुजरात हो रहा है, उसमें दुबई के अबूधाबी के किंग आए हैं, उनका जोरदार स्वागत हुआ है। 100 सीईओ से प्रधानमंत्री मिलेंगे। कोई कंपनी नहीं है दुनिया की या भारत की जो वहाँ पहुँची ना हो। उससे पता लगता है कि राज्य की साख क्या है। आज बिहार में जब इन्वेस्टर मीट हुआ तो लिट्टी चोखा खा के लोग चले गए, कुछ बुनकर के कपड़े दिखा दिए गए। कोई बड़ा रिनाउंड उद्योगपति जो जिसके नाम से उद्योग जाना जाता है, ऐसा कोई व्यक्ति भी शामिल नहीं हुआ। पहली बार था जिसमें मुख्यमंत्री जी का भाषण भी नहीं हुआ, यानी मुख्यमंत्री ने संबोधन भी नहीं किया, ऐसा इन्वेस्टर मीट हुआ। लेकिन देश तरक्की कर रहा है, बिहार तभी तरक्की करेगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में भी बनेगी। बिहार में राजनीतिक द्वंद्व ही चल रहा है, जिस उद्देश्य के तहत मुख्यमंत्री जी बीजेपी को छोड़कर गए थे, वो उद्देश्य भी अधूरा रह गया, वो ख्वाब भी अधूरे रह गए। उन्होंने बैनर लगाया था, बिहार ने देखा है देश देखेगा। बिहार ने जो देखा वो देश न देखे तो अच्छा है। आज अपराध तेजी से बढ़ रहा है, अपराध और अपराधीकरण की घटनाएं भागलपुर लोकसभा में भी, नौगछिया भागलपुर मिला के कह रहा हूं। कल भी एक 3 लोगों की किलिंग हो गई, उससे पहले भी गोली चली, इधर भी एक प्लॉटर को गोली लग गई। बिहार सरकार जहां स्कूल की व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी है, वहीं भागलपुर जिला के शंकरपुर दियारा इलाके में उच्च माध्यमिक विद्यालय शंकरपुर बिंद टोला, जहां एक साथ 2 स्कूलों के बच्चों को पढ़ाया जाता है, मात्र 4 कमरे में, उस स्कूल में शिक्षक की तो कमी नहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है। जहां 1 से 5 तक के बच्चों को बरामदे पर पढ़ाया जाता है, वहीं स्कूल की व्यवस्था की खबर करने पहुंचे कुछ मीडिया कर्मियों के साथ स्कूल के शिक्षक द्वारा दबंगई दिखाते हुए दुर्व्यवहार किया गया, जो कि सरासर गलत है। बंद कीजिए ना सर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वहीं शिक्षकों द्वारा कहा गया कि बिना आदेश के आप लोगों को स्कूल परिसर में नहीं आना चाहिए। वहीं जहां महिला शिक्षक क्लास ले रही थी तो पुरुष शिक्षक बाहर घूमते देखे गए। मीडिया को देखते हुए वो लोग भी स्कूल परिसर पहुंच गए और मीडिया के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया गया। उसके बाद नहीं रहने के बाद तो गप में रहता है सब। गप में कौन? मास्टर नहीं कौन? 14 टीचर है यहाँ पर। 14 है ना, रहने से क्या होगा सर, सब गप में रहता है ज्यादा। बच्चे को ध्यान रहता है, जब तक जो गार्जियन प्राइवेट नहीं पढ़ाएगा तो स्कूल से पास नहीं हो सकता है बच्चे। पढ़ाई का माहौल है यहाँ पर? पढ़ाई का इधर क्या क्लास सही चल रहा है, उसके बाद तो पहले लापरवाही इतना था। क्या बनना चाहती हो? 1 रूम में क्या क्लास चल रहा है? 9-10 समझ में आता है? हाँ। कि पूरा समझ आती हो? समझ जाता है। दिक्कत होती है? दिक्कत होती है बैठने में। बैठने में दिक्कत होती है क्या? और भी कुछ बातें हैं। और मैं यहाँ खुश हूँ कि मुझे यहाँ सर्विस देने का मौका मिला है। सर, जमीनी स्तर पे देखें तो यहाँ बच्चे बहुत अच्छे हैं, पर लेकिन हमें संसाधन की कमी है, हमें क्लासरूम पर्याप्त नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें 2 क्लास के बच्चों को साथ बिठाना पड़ रहा है और पढ़ाना पड़ रहा है। और हमारे बैठने के भी स्टाफ रूम भी नहीं है, बैठने की भी सुविधा नहीं है। हमें सामान रखने, इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब वातावरण ही नहीं दे पाएंगे तो बच्चे खुल के सोचने की उनकी जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा।
भागलपुर में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। शहर के कहचारी चौक, तिलकामांझी चौक और भीकनपुर में कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। बाल श्रमिक विभाग के अधिकारियों ने शहर के कई रेस्टोरेंट और होटल में भी छापेमारी की। भागलपुर श्रम अधीक्षक पूनम कुमारी ने बताया कि बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाकर बच्चों को मुक्त कराया गया, साथ ही बच्चों से काम कराने वालों पर कार्रवाई की गई है। हम लोग बाल श्रम उन्मूलन के बाल श्रम के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं और पूरे जिले में इसका एक सघन अभियान चल रहा है। उसी के तहत आज हम लोग शहरी क्षेत्र में कल शाम को भी हम लोग घूमे थे, एसडीओ और डीएसपी सदर के साथ भी हम लोग घूमे थे और सैंडिस कंपाउंड के आसपास जितने भी स्ट्रीट वेंडर बच्चे काम कर रहे थे उनको भी हमने अटवाया है और जितने भी होटल ढाबे या मोटर गैरेज में जितने भी छोटे बच्चे काम कर रहे हैं 14 साल से नीचे के हजारस कितने बच्चों को मुक्त करवाया गया है अब तक? लगातार अभियान चल रहा है, कल भी हमने 2 बच्चों को मुक्त कराया, अभी लगभग 4 बच्चे अभी हो गए हैं रेस्क्यू करवा। क्या कार्रवाई की जाएगी? इनके नियोजकों के करीब FIR होगा और उनके 50,000 का जुर्माना है और 3 साल की सजा है। आपका परिचय मैम? पूनम कुमारी, श्रम अधीक्षक। मैम ये रेगुलर कार्रवाई है या कुछ विशेष कार्रवाई है? रेगुलर चल रहा है अभियान, अभी इस महीने हम लोग लगभग 10-12 बच्चों को रेस्क्यू।